यूपी की 9 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शाम को प्रचार थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जहां पर सीधा मुकाबला है, वहीं बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी वोटों में सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में सियासी बयानबाजी तेज है। रोजाना विपक्षी दलों के जरिए नए नारों के साथ पोस्टर लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार पोस्टरबाजी और बयानबाजी जारी है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा हमला बोला। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने भी पोस्टर लगाए। 2022 में एनडीए ने 5 सीटें जीती थी। मझवा, फूलपुर, खैर पर एनडीए जीती। गाजियाबाद, मीरापुर सीट भी एनडीए जीती। 2022 में एसपी ने कटहरी, सीसामऊ सीट जीती। 2022 में एसपी ने करहल, कुंदर की सीट भी जीती। मीरापुर सीट आरएलडी ने एसपी गठबंधन में जीती। अब आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत ही भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बीजेपी, एसपी, बीएसपी समेत तमाम दलों ने ताकत झोंक रखी है। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को इन सीटों के नतीजे आएंगे। 18 नवंबर को शाम को उपचुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा। उपचुनाव के प्रचार में पोस्टर वॉर और बयानबाजी भी खूब देखने को मिले। बीजेपी का सबका साथ और सबका विकास और सपा का उम्मीद का नारा पुराना हो गया। इस उपचुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश के जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा ट्रेंड में है, चुनाव में चर्चा इन्हीं नारों पर हो रही है। मझवा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रहा है। मैनपुरी करहल सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। 2024 में कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट छोड़नी पड़ी। इस बार एसपी ने अखिलेश के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। बीजेपी ने रिश्ते में अखिलेश के जीजा अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने अवनीश शाक्य को टिकट दिया है। उपचुनाव में बीजेपी ने मीरापुर सीट आरएलडी को दी है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। एसपी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। बीएसपी ने शाहनजर और आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को टिकट दिया है। मुख्य मुकाबला एसपी और बीजेपी में ही माना जा रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव का दंगल दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। एसपी ने चारू कैन को टिकट दिया है। बीएसपी ने यहां पर डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। खैर सीट एससी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है, इसलिए सभी दलों ने एससी समाज के नेता को ही टिकट दिया है।